Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture types of offer. In previous lecture, I have discussed specific and general offer, offer and invitation to offer, and in this lecture, I shall discuss express offer may be written or oral, implied, it is based on conduct, and cross offer, counter offer, standing offer, positive offer and negative offer. तो पहला है express offer या implied offer, एंड implied offer. Express offer वो offer होता है जो written या oral होता है, spoken words या written word में होता है. Written offer may be made by sending email, telegram, letter or proper sale deed. इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे आपने पत्र भेजा किसी को अपनी कार खरीदने का 2 लाख में, जिसको भेजा है ये राइटिंग भेजा है, ये एक्सप्रेस ऑफर है. मुंह से बोल करके भी ओरल ऑफर हो सकता है, स्पोकन वर्ड्स में जिसको कहते हैं, ये भी एक्सप्रेस ऑफर में ही आता है. दूसरा इम्प्लाइड ऑफर होता है, सेक्शन 9 में है, दोनों का बताया गया है कि जहाँ तक किसी वचन के प्रस्ताव या उसका एक्सेप्टेंस शब्दों में किया जाता है वो प्रॉमिस एक्सप्रेस कहलाती है, और जहाँ पर उसका ऑफर या एक्सेप्टेंस शब्दों में न होकर अदरवाइज किया जाता है वो इम्प्लाइड कहलाता है. जैसे अब ट्रांसकलर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पावेल 1942 का केस है, इसके केस में डिफेंडेंट की खेती में आग लग गई, उसको ये विश्वास था कि उसे फायर ब्रिगेड की निःशुल्क सर्विसेज प्राप्त करने का राइट है. उसने फायर ब्रिगेड को बुला लिया, जब आग बुझा दिया फायर ब्रिगेड ने तो अपनी सर्विसेज का अमाउंट मांगा. उसने कहा नहीं, हमने तो फ्री में जो है समझा था. हुआ ये कि उसको ये जो है फ्री सर्विसेज जो है उसके जोन में उसका खेत नहीं आता था जहाँ तक फ्री सर्विसेज अवेलेबल थी. तो न्यायालय ने माना कि जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड की है फायर ब्रिगेड ने, वो प्लेंटिफ डिफेंडेंट उसको देने के लिए बाउंड है. जैसे हम यदि होटल में खाना खाने जाते हैं तो इम्प्लाइड है कि पेमेंट हमको करना होगा जो खाएंगे. दूसरा ऑफर है स्पेसिफिक जनरल, हम बता चुके हैं. काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं ऑफर के बदले ऑफर, कुछ संशोधन के साथ. और जैसे ही काउंटर ऑफर होता है पहला ऑफर समाप्त हो जाता है. जैसे आपने कहा कि हम आपका मकान 10 लाख में देना लेना खरीदना चाहते हैं, मैंने कहा भाई 11 लाख से हम कम नहीं बेचेंगे, हम 11 लाख में बेचेंगे, तो जो ऑफर उसने 10 लाख का दिया है वो जैसे ही अपने 11 लाख रुपए कहा उसका समाप्त हो गया. बाद में हम यदि 10 लाख भी तैयार हो जाए वो खरीदने के लिए बाउंड नहीं है, क्योंकि जैसे ही ऑफर के बदले दूसरा ऑफर दिया जाता है जो है पहले वाला ऑफर ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है. तो कहने का मतलब है जब ऑफर के बदले, जिसको हम शॉर्ट में मोलतोल कहते हैं, मोलतोल होने लगता है तो पहला वाला जो मूल्य बताया गया होता है वो रिपील हो जाता है, पहला ऑफर समाप्त हो जाता है, दूसरा इफेक्टिव होता है. तो ऑफर के बदले जब ऑफर दिया जाए तो वो कह देंगे काउंटर ऑफर या प्रतिप्रस्ताव. दूसरा है क्रॉस ऑफर,
जब दो पार्टी समान शर्तें या समान विषय वस्तु जो है का ऑफर पोस्ट में एक दूसरे को भेजती हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस ऑफर। जैसे आपने मोहन को लिखा पत्र कि वो उसकी गाड़ी 5 लाख में खरीदने के लिए तैयार है आज की डेट में 9 अक्टूबर को। अभी आपका पत्र मोहन को मिला नहीं था, 10 को उसने खुद लिखा कि वो जो है 5 लाख में उतने ही मूल्य में जितने आप लिखा था उतने ही मूल्य में 5 लाख में परचेज करने के लिए या बेचने के लिए तैयार है। तो शर्तें दोनों मूल्य एक ही का है, जितने में आप खरीदना चाहते हैं उतने में बेचना चाहता है, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं है कि ऑफर इस तरीके का भेजा गया है तो ये ऑफर रास्ते में क्रॉस करता है ना। आपका ऑफर मिला नहीं है तब तक जो है वो अपना ऑफर भेज देता है और शर्तें समान है, तो ये है क्रॉस ऑफर या क्रॉस ऑफर कहेंगे इसको। हाँ, कोई इसमें भी क्रॉस ऑफर में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। फिर है स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर, एन ऑफर दैट इज केप्ट ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज स्टैंडिंग ओपन आर कंटिन्यूइंग ऑफर, है ना। तो ये जो है अ टेंडर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एट स्पेसिफाइड प्राइसेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आर द नेचर ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। द टेंडरर मस्ट सप्लाई व्हेन एवर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड बट द He can't insist on any order being made at all. The quantity to be supplied may or may not be specified. For example, Bengal Coal Company versus Homi Wadia and Company के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है, 1899 का है, बॉम्बे हाई कोर्ट से है। बंगाल कोल कंपनी ने राइटिंग में एक करार हुआ होमी वाडिया एंड कंपनी से कोल सप्लाई का सर्टेन प्राइस पर, और कितनी क्वांटिटी बताई जाएगी जब जितनी जरूरत होगी, 12 महीने के लिए हुआ था। 12 महीने के पहले डिपेंडेंट विड्रॉ देयर ऑफर टू सप्लाई फर्दर कोल एंड रिफ्यूज टू कंप्लाई विद ऑर्डर मेड देयर आफ्टर। 12 महीने के पहले ही डिफेंडेंट ने अपना वापस ले लिया और बाद में कोल सप्लाई करने से मना कर दिया। देवर सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग के लिए वाद हुआ। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट देयर इज नो कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट अनलेस बी बाइंडिंग हिमसेल्फ टेक सम सर्टेन क्वांटिटी बट ए मेयर कंटिन्यूइंग ऑफर विच मे बी एक्सेप्टेड बाई बी फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई ऑर्डरिंग गुड्स अपॉन द टर्म्स ऑफ द ऑफर। इन सच केस ईच ऑर्डर गिवन बाई बी इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंड ए कैन विड्रॉ द ऑफर एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस बाई एन ऑर्डर फ्रॉम बी। दे आर बाउंड टू सप्लाई कोल ओनली एज रिगार्ड्स ऑर्डर्स विच हैड ऑलरेडी बीन प्लेस्ड बट वर फ्री टू रिवोक देयर ऑफर फॉर सप्लाई ऑफ कोल देयर आफ्टर। यानी इसमें माना गया कि इस तरीके के ऑफर को सूचना दे करके रिवोक किया जा सकता है, लेकिन जितना दिया जा चुका है नोटिस के पहले उतनी सप्लाई करने के लिए वो बाउंड होता है। इसके अलावा जो है हम जो है जो टेंडर होते हैं मानक रूप की संविदाएँ होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं, पहले से ऑलरेडी छपी होती हैं, जैसे जीवन बीमा के फार्म हैं, रेलवे टिकट हैं, ये सब जो है बैंकों के फार्म हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑफर होते हैं। तो ये जो है कुछ तरीके के ऑफर थे। इसके अलावा पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है ऑफर। पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ मेकिंग एन ऑफर एंड फ्रॉम द वर्ड्स यूज्ड टू मेक एन ऑफर द ऑफर मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। व्हेन ऑफर डिमांड एंड सजेस्ट डूइंग सम एक्ट, पॉजिटिव ऑफर। जब कोई काम करने के लिए कहा जाए तो पॉजिटिव ऑफर है। जैसे ए बी से कहता है कि वो अपनी जो है वरना कार 8 लाख में बेचना चाहता है,
ये क्या है? पॉजिटिव ऑफर है। नेगेटिव ऑफर क्या है? व्हेन बाय मेकिंग एन ऑफर वन पार्टी फॉरबियरिंग अदर पार्टी फ्रॉम डूइंग समथिंग ओमिशन ऑफ एन एक्ट देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफर। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहे कि ये काम न करिएगा और इतना हम पेमेंट करेंगे, तो ये क्या है? नेगेटिव ऑफर। जैसे ए ऑफर्स नॉट टू फाइल सूट अगेंस्ट बी इफ बी पेज द बैलेंस अमाउंट ऑफ 6 लाख विद इन 2 डेज। ए बी से कहता है कि आप उस पर मुकदमा न करिएगा, ऑफर देता है बी को कि वह उसके ऊपर मुकदमा नहीं करेगा यदि जो है 2 हफ्ते में वो 6 लाख रुपया पे कर देता है। ये क्या है कि वो मुकदमा नहीं करेगा यदि आप 6 लाख पे करेंगे, नेगेटिव ऑफर है। तो ये कुछ जो है ऑफर के टाइप्स थे। थैंक यू वेरी मच।